वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स। और आप लोगों का स्वागत है लता प्राइम व्लॉग्स में। और गुड आफ्टरनून हो चुका है फ्रेंड्स। आज का व्लॉग में बहुत लेट शुरू हो रहा है, 1 बजे बज चुके हैं। और आप सभी को गुड आफ्टरनून। और आज फ्रेंड्स बहुत, यानी कि मेरे को 2 दिन हो गए ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ मैं। और आज का क्या है ना कि सुबह मैं बहुत लेट उठी थी फ्रेंड्स, 7 बजे उठी थी। बच्चों को स्कूल भी जाना था और इतना जल्दी मैं किया ना बच्चों का कि मैंने कुछ बना के भी नहीं दिया, बस ब्रेड पे ही चीज़ वगैरह लगा के ऐसे ही बना के दिया बच्चों को जल्दी जल्दी में। बहुत लेट हो चुका था भाई। रात को लेट सोने से फ्रेंड्स क्या है ना, जल्दी से आँख नहीं खुलती है। और अभी मैं खाना बनाकर खा चुकी हूँ, सारा काम हो गया है मेरा खाना पीने का भी, और बच्चों के आने का भी टाइम हो रहा है स्कूल से। बच्चे आने वाले हैं फ्रेंड्स, है ना। तो चलो मैं बाकी बर्तन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ और बच्चों का वेट करते हैं हम लोग, ठीक है फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स बच्चे भी स्कूल से आ चुके हैं और मैंने किचन में सारी सफाई कर दी है फ्रेंड्स। खाना वाना बना लिया था, बर्तन भी साफ कर दिए, बस बच्चों के लंच बॉक्स बचे हैं वो मैं शाम को कर लूँगी। और बच्चे खाना वाना खा पी के सो गए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि आज मंडे था ना, 3 दिन की छुट्टी के बाद में आज स्कूल गए थे ये, तो सो गए वो लोग। तो चलो मैं भी थोड़ा सा आराम करूँगी, तो मिलती हूँ फ्रेंड्स आप लोगों से, मैं शाम को मिलती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो बने रहना ब्लॉग में, ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना फ्रेंड्स, ठीक है, ओके। तो फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो शाम का टाइम हो चुका है और शाम के बज चुके हैं फ्रेंड्स, 6:45 बज गए हैं और सभी लोग सोए हुए हैं। मैं उठ चुकी हूँ और बाहर का व्यू दिखाती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर का व्यू दिखाया आप लोगों को, देख लीजिए फ्रेंड्स बहुत हरियाली हो गई है, हरा भरा हो गया है। अभी 6 बजे तक भी देखिए फ्रेंड्स हल्की हल्की धूप आ रही है, अभी तक 6 बज गए हैं पर थोड़ी धूप है अभी। और बच्चों को भी उठा देती हूँ फ्रेंड्स मैं, और मैंने चाय बना ली है फ्रेंड्स। मैं चाय पीऊँगी सबसे पहले, फिर सब्जी का देखती हूँ क्या बनाऊँगी। वैसे मैंने सोचा है दाल बनाने के लिए, और इधर में मैंने चाय डाल ली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं चाय पीती हूँ, आप भी आ जाइए फ्रेंड्स। और सॉरी मैं 2 दिन से ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और अब मैं, ये आज मंडे का ब्लॉग है जो आप लोगों को ट्यूसडे को देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। तो चलो सबसे पहले हम चाय पीते हैं, फिर करेंगे हम सब्जी की तैयारी, और बच्चों को भी उठाती हूँ फ्रेंड्स मैं। तो फ्रेंड्स मेरी चाय वाय हो चुकी है, और इधर में देखिए दूध भी उबलने लगा है। मैंने दूध भी चढ़ा दिया था चाय पी करके ही, और उबल रहा है देखिए, निकलेगा नहीं बाहर। और इधर में मैंने दाल भी चढ़ा दी है, दाल बता रही थी मैं दाल बनाऊंगी, और दाल में भी थोड़ा उबाल आने ही वाला है, लग रहा है कि उबाल आने वाला है। और मैंने इसमें टमाटर वगैरह और सारे मसाले डाल दिए हैं फ्रेंड्स। तो अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी और एक ही विसल आने तक मैं पका लूंगी इसको, दाल को। और मैं उधर में भी तड़के की तैयारी कर लेती हूँ फ्रेंड्स। और अभी बच्चे उठ गए हैं, अभी सभी धीरे धीरे उठ रहे हैं घर में, और इधर मैं चाय वाय के बर्तन बर्तन क्लीन करूँगी। तो चलो ठीक है फ्रेंड्स जी, मैं तड़के की तैयारी करती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरी दाल भी बन चुकी है, इधर देखिए दाल बन गई है मेरी। और मैं दाल बनाते टाइम में शूट नहीं कर पाई, क्योंकि अचानक से मेरे घर में कोई आ गए थे, तो मैं उनसे बातें करती रही, और आयुष के पापा की ड्यूटी का टाइम भी हो गया था, और मैंने फटाफट से खाना बनाया, टिफिन पैक कर दिया है फ्रेंड्स। और इधर भी देखो सारा किचन फैल गया, मैंने आंटी आई थी और दीदी आई थी, तो मैं यही कैंपस के हैं तो मैं बड़े हैं तो मैं उनको दीदी बोलती हूँ। और इधर मैं चाय बनाई थी उनके लिए, मैं एक बार ही चाय बना के पी चुकी थी, और मैंने उनके लिए चाय बनाई थी। और देखो सारा किचन फैल गया है ना देखो, और अब मैं किचन को समेट लेती हूँ फ्रेंड्स। तो चलो मैं बच्चों के लिए भी रोटी भी बनाऊंगी, और टाइम भी फ्रेंड्स कितना हो चुका है, 7:30 बज गए हैं, टाइम भी 7:30 बज गए। अनुषा भी खेल के आ चुकी है, और देखो ये नमकीन खा रही है, नमकीन खा रही है। बस खेल कर आते हैं इनको फ्रेंड्स, मुंह चलना चाहिए, बस कुछ ना कुछ चाहिए इनको खाने के लिए। और देखो ये खा ली है, और अब होमवर्क करेगी अपना स्कूल का। तो चलो मैं भी किचन क्लीन कर लेती हूँ और इनके लिए रोटियां बना लूंगी। आटा भी गूंदा हुआ रखा है मेरा, इधर में दूध का पतीला, सारा किचन फैला हुआ है इस टाइम पे, तो जैसे कोई तूफान आ गया हो। तो चलो फ्रेंड्स मैं करती हूँ अपना काम।
बर्तन सारे क्लीन कर लिए हैं, तो चलो मैं रोटी बना देती हूँ क्योंकि बच्चे भी नीचे से खेल कर आ चुके हैं और ये दोनों को मैंने स्कूल का काम करने के लिए बिठा दिया है। खुद कर रहे हैं। अच्छा ये खुद से कर रहा है, देखो तो सही, ये खुद से कर ले तो क्यों मुझे परेशान होना पड़े। मैंने बोला है अनुषा बहुत पहले से आ गई थी, अनुषा खुद से अपना काम कर रही है, आयुष अभी आया जस्ट आया फ्रेंड्स। और तो चलो मैं इनके लिए खाना बना लेती हूँ और टाइम हो चुका है 8:15 बज गए फ्रेंड्स, और यानी कि 9 बजे मुझे लाइव भी आना है, इसलिए मैं जल्दी से ब्लॉग भी खत्म करूंगी। तो चलो फ्रेंड्स पहले खाना बना लेते हैं और खाना खा पी करके हम फ्री हो जाते हैं। तो चलो फ्रेंड्स मैं रोटी बनाना भी शुरू कर दिया क्योंकि मैंने आटा पहले से ही गूंद रखा था क्योंकि आयुष के पापा की ड्यूटी थी ना, इसलिए उनके लिए बनाया था फ्रेंड्स। आज मैं मेरे घर में कोई आने की वजह से आ गए थे कोई, तो आयुष के पापा ने खुद ने ही रोटियां बनाई क्योंकि फ्रेंड्स कोई भी जब घर में आता है तो उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है ना, इसी वजह से वो आ गए थे। तो मैं बैठ गई थी उनके पास में, वो मेरे से ही मिलने आए थे स्पेशली, तो मैं उनके पास में बैठ गई थी। तो चलो मैं खाना बना लेती हूँ है ना, और बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को भी बना के दे देती हूँ फ्रेंड्स। और टाइम ऐसे निकलता जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है मुझे 8:30 कब बज गए। आज मैंने सब्जी में दाल बनाई है, तो चलो मैं पूरी रोटी अब बना लेती हूँ। बन चुका है मेरा, मैंने रोटियां सारी बना ली है देखिए, और बच्चों को मैंने डाल भी दिया है फ्रेंड्स। इधर में मैंने दूध भी गर्म कर दिया है लगे हाथी, और दूध मेरा गर्म हो चुका है और इधर में बच्चे खाना खा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स खाना खा रहे हैं। और मुझे भूख नहीं है फ्रेंड्स, अभी कुछ भी भूख नहीं है, भूख लगेगी तो खाऊंगी मैं। और चलो बच्चों को खाना दे दिया है मैंने, खा लेते ये लोग। तो फ्रेंड्स ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, खुश रहिए।